फ्रेंड्स नमस्कार, मेरा नाम मोहित गुप्ता है। आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमजी टेक्निकल में स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी नई वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड के बारे में। तो आइए हम जानते हैं कि एमएस ऑफिस क्या है। तो ये एमएस ऑफिस आपका है, मतलब कि ऑफिस वर्क के लिए काम करने वाला एक वर्ड है, मतलब कि एम एस वर्ड ऑफिस है। इस पर आप अपना कोई भी काम कर सकते हैं, अपना आप ऑफिस काम कर सकते हैं, या कुछ भी बना रिज्यूम बनाना हो, या कोई डॉक्यूमेंट आपको शेयर करना बनाना हो, कंप्लीट करना हो, तो इसमें आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। तो इसको हम खोल लेते हैं, एम एस वर्ड को ओपन कर लेते हैं। स्टार्ट पे गए, यहाँ पे टाइप करेंगे वर्ड, तो ये देखिए आपका एम एस वर्ड आ गया। इस पर क्लिक कर देंगे, ओपन हो रहा है, ये आपका एम एस वर्ड आ गया है। आपका कुछ इस तरह से ये शो करेगा। इसमें आपके बहुत सारे देखिए टेम्पलेट टाइप के दिए हुए हैं, आपके किस तरह से आप फॉर्मेटिंग अगर देखना चाहते हैं कवर के लिए कर सकते हैं, और नहीं तो आप यहाँ पे ब्लैंक पेज को यूज कर लेंगे। तो ब्लैंक पेज यूज करेंगे तो ब्लैंक पेज आएगा। तो ये मेरा ब्लैंक पेज हो गया है, मैंने ओपन किया, ये ब्लैंक पेज कुछ इस तरह ओपन होके आया है। तो ये देखिए जो आपको ऊपर ये दे रहा है, ये आपके टैब है, फाइल टैब हो गया, होम टैब, इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज लेआउट, मेरिंग, मतलब बाकी सी चीज़ें हैं। और सबके टैब के अंदर अलग अलग इसने टूल बॉक्स दिए हुए हैं, किसके लिए क्या टूल बॉक्स होता है ये देखिए, ये सब है। बाकी इसमें सारे सब में अलग अलग टूल्स हैं, इसको हम आपको बाद में धीरे धीरे करके बताते रहेंगे। और उसके नीचे आएंगे तो ये देखिए आपके ये रिबन दिया हुआ है, जिसमें आपके ये साइज लिखे हुए हैं इंच में है, ये आपके इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, सेंटीमीटर में, मिनिमम एमएम भी कर सकते हैं। और इसके बारे में हम आपको बात बताते हैं, ये आपका स्क्रॉल करने वाला स्क्रॉल बार हो गया है। और ये राइट साइड में देखेंगे, यहाँ से आप अपने पेज को जूम इन या जूम आउट कर सकते, जूम आउट कर सकते हैं, ओके। और ये आपका दे रहा है, ये आपका शो कर रहा है स्टेटस बार, मतलब कि आपका स्टेटस वगैरह है। आप यहाँ पर कोई भी वर्ड टाइप करेंगे तो ये देखिए आपका ये वर्ड आपका काउंट कर देगा। ये देखिए आपके जितने वर्ड टाइप करेंगे उतना वर्ड काउंट हो जाएगा, ओके। और यही नीचे आपका देखिए पेजेस दे रहा है, पेज वन ऑफ वन, आपका वन पेज है तो वन शो कर रहा है, ऐसे ही आपके ये सारा शो करता है। तो होम टैब आ जाएंगे, जैसे मुझे उसमें कुछ भी टाइप करना है, लेटर टाइप करना है, तो जैसे कि मैंने कोई लेटर टाइप किया हुआ है, तो पहले मैं एक, तो जैसे देखिए मैसे मेरे पास एक पड़ा हुआ है, ये मैंने कुछ टाइप किया हुआ है, ठीक। इसमें आपको बताते हैं कि वर्ड में कैसे कैसे क्या यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए जैसे कि ये है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, इंसर्ट को सेलेक्ट कर लिया, ठीक। और इसके बाद मुझे इसमें लगाना है बोल्ड करना, मतलब कि ये जो मेरा इंसर्ट टाइप है वर्ड, ये थोड़ा बोल्ड हो जाए। तो बोल्ड के लिए आप देखिए होम टैब में जाएंगे, होम टैब में जाने के बाद फॉन्ट वाले टूल में ये आपको दिखा बी लिखा होगा, बी यानी बोल्ड, तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा। बोल्ड हटाना है तो हटा सकते हैं, इसकी शॉर्टकट की भी होती है, शॉर्टकट की इसकी होती है कंट्रोल बी, कंट्रोल बी करेंगे तो भी बोल्ड हो सकता है। और ऐसे ही आप उसको इटैली भी कर सकते हैं, इससे आप चाहे इटैली कर लें इटैली कर लेंगे, इटैली हो जाएगा। इटैली शॉर्टकट की होता है कंट्रोल आई होता है, और इसमें अंडरलाइन लगाना है तो अंडरलाइन लगा सकते हैं, अंडरलाइन के कंट्रोल यू शॉर्टकट की होता है। देखिए जैसे यहाँ पे आएंगे और इससे आपकी शॉर्टकट की शो भी करेगी, कंट्रोल यू शॉर्टकट की हो जाएगा। बट अगर इसमें आपको और डबल लाइन लगानी हो तो कैसे लगाएंगे, उसके लिए आप यहाँ पे छोटे छोटा पॉइंट बना हुआ है राइट साइड में यू के बगल में, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देख इस तरह से आप अंडरलाइन कर सकते हैं, जैसे कि डबल वाले अंडरलाइन है डबल कर सकते हैं, तो ये देखो डबल लाइन हो गया अंडरलाइन, ठीक। और बाकी जैसे कि आप मान लीजिए मुझे ये टैब वाला है, टैब को मैंने सेलेक्ट कर लिया, टैब पे मुझे इसे कलर फिल करना है, तो कलर के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपको कलर पसंद हो आप वो कलर फिल कर लेंगे। इसमें वाइट किया मैंने, देखिए रेड हो गया है।
और जैसे कि आप चाहते हैं कि इसमें क्या नाम है, जैसे कि कुछ हाईलाइट करने के लिए होता है तो हाईलाइट कर सकते हैं, यहाँ पे जाएं बगल वाले उसी में फॉन्ट कलर पे, यहाँ से इसको हाईलाइट कर सकते हैं। देखिए आपको ये हाईलाइट हो गया कुछ इस तरह से, ये आपका हाईलाइट हो गया। और अगर आप जैसे चाहते हैं कि ये जो मैप हुआ लिखा हुआ है ये सेंटर में आए, तो सेंटर के लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा पैराग्राफ टूल पे। पैराग्राफ टूल पे जाने के बाद ये सेंटर लिखा हुआ यहाँ देखिए सेंटर आइकन कुछ इस तरह बने हुए दिख रहे होंगे, तो ये जो आप यहाँ पे हैं ये आपका है लेफ्ट वाला, तो ये अलाइनमेंट होता है। देखिए पैराग्राफ का ये अलाइनमेंट है जो आपका है लेफ्ट से दे रहा है राइट सेंटर, तो देखिए यहाँ पे ये लेफ्ट दे रहा है तो अभी आपका लेफ्ट अलाइनमेंट है, तो वैसे आप ये सेंटर करेंगे तो सेंटर में हो जाएगा, ये आप देखिए सेंटर में हो जाएगा। इसकी शॉर्टकट की लिखा हुआ है कंट्रोल ई प्रेस की तब भी सेंटर में हो जाए, देखिए सेंटर में हो गया कुछ इस तरह से। इसको अगर राइट में करना है तो यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, शॉर्टकट की कंट्रोल आर है, कंट्रोल आर हो गया है। और ये आपको होता है जस्टिफाई, ये जस्टिफाई आपको इसमें इस तरह समझ नहीं आने वाला है, तो जस्टिफाई के लिए आपको आपको जो पूरा पैराग्राफ है उसको पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने मान ली ये जो मेरा है इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक, इसको जस्टिफाई किया, इस पर जस्टिफाई काम नहीं करेगा, अगर पैराग्राफ ज़्यादा हो तब काम करेगा। जैसे कि मान लीजिए ये जो लिखा हुआ है इसी को मैंने कॉपी कर दिया, ठीक, इसे क्या आगे कॉपी करते गए, इसे ये मैंने कॉपी किया। अभी देखिए कुछ थोड़ा इस तरह आगे पीछे लिखा हुआ है तो यही इसमें आई जस्टिफाई काम करेगा, इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे पैराग्राफ को वाले, इस पर आप जस्टिफाई में क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ से पूरा जस्टिफाई हो गया, यहाँ साइड से जस्टिफाई पूरा हो गया है, राइट से भी लेफ्ट से भी, ओके, तो ये आपका पैराग्राफ जस्टिफाई हो गया है। और आते हैं इसमें, इसके बाद चलिए हम चलते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये इतना जो स्पेस है इसको सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से इतना पूरा पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मुझे इसमें स्पेस लाइन जो होती है पैराग्राफ लाइन होती है स्पेसिंग, उसको बढ़ाना है घटाना है, तो यहाँ पे आप देखिए जहाँ जस्टिफाई था उसी बगल में ही आपको ये दे रहा है, यहाँ से देखिए आपको दिखा 1.0 1.15 इस तरह से दे रहा है। तो देखिए आप इसे देखेंगे ये लाइनिंग इस पैराग्राफ की लाइन स्पेस बढ़ती जाएगी, देखिए जैसे आप बढ़ाते हैं कि इसकी स्पेसिंग बढ़ती जाएगी, ओके, तो ये कुछ इस तरह से स्पेसिंग बढ़ेगी। और यहाँ पे आपका देखिए कुछ कलर दे रहा है, अगर आप चाहते हैं कि जो आपका ये पूरा पूरा पैराग्राफ जो है जहाँ जहाँ आपका टेक्स्ट है वही पूरा मतलब कलर हो जाए, तो यहाँ से आप कोई भी कलर कर सकते हैं, ये आपका मतलब कलर थीम है आपका, मतलब मान चलिए पहला अगर आपका थीम हो जाएगा जैसे कुछ नहीं हाईलाइट होता है तो इस तरह आ जाएगा। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि इसमें हम चाहें इसमें बॉर्डर लगाएं तो आप यहाँ बॉर्डर लगा सकते हैं, ये देखिए बगल में ही आपको बॉर्डर के दे रहा है, या आप देखिए जो टेबल वाले बॉर्डर होते हैं आप इस पर टेबल लगा सकते हैं, जैसे कि आप बहुत सारी चीज़ ले लेंगे उस पर आपको टेबल बॉक्स बॉर्डर लगाना है बॉर्डर लग जाएगा, अगर ओनली बॉक्स चाहिए तो ओनली बॉक्स भी लग जाएगा। ये देखिए यहाँ पे जाएंगे बॉक्स है बॉक्स बन जाएगा, ये देखिए बॉक्स हो जाएगा। अगर आप चाहते सिंगल लाइन चाहते सिंगल लाइन भी आएगी, इसी देखिए यहाँ पे राइट साइड जाएंगे राइट साइड लाइन आ जाएगी, लेफ्ट चाहेंगे लेफ्ट में आ जाएगी, ऊपर चाहेंगे ऊपर से आ जाएगी लाइन आ जाएगी, ठीक। ये तो आपका हो गया बॉर्डर का। तो इसके आगे हम बताते हैं कि आप इसके अंदर भी जाके कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये अंडरलाइन है इसको मुझे कट करना है, मतलब कि नहीं जो बीच से क्रॉस हो जाता है, तो उसके लिए आप यहाँ पे देखिए दे रहा है ABC लिखा हुआ है इसे देखते हैं, तो ये आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस पर लाइन पड़ जाएगी, ठीक, ये लाइन हो गई है। अगर आप चाहते हैं कि इसे लिखा हुआ है ये इंसल्ट लिखा हुआ है, इंसल्ट का ये टी जो है ये नहीं स्क्वायर में हो जाता है, ऊपर स्क्वायर होता है नीचे हो जाता है सब इस हो जाता है, तो इसको इसको भी कर सकते हैं, ये देखिए सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा ऊपर हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ये नीचे वाला जो होता है जो नीचे स्क्वायर कर देंगे, ये देखिए इसकी शॉर्टकट की भी होती है, इसकी शॉर्टकट देखिए इसी में लिखी हुई है, यहाँ पे आएंगे तो ये इसकी देखिए लिखी हुई स्क्वायर की लिखी हुई है,
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, इसको प्रेस करेंगे तो ये आपका स्क्वायर वाल आ जाएगा। ओके, और ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप मान लीजिए, जैसे कि आप मान लीजिए इसमें लिखा हुआ ये क्लिक लिखा हुआ, ठीक। तो जैसे आप क्लिक ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे ऊपर जाएंगे टैब में, तो यहाँ से देखिए आप इसको कर सकते हैं, मतलब कि सेंटेंस केस कर सकते हैं, लोअर केस कर सकते हैं या अपर केस कर सकते हैं। तो यहाँ से अपर केस पर क्लिक करेंगे तो ये अपर केस में हो जाएगा, पूरा कैपिटल में हो जाएगा। यहाँ से लोअर पर कहेंगे लोअर पर हो जाएगा। अगर ये कहें सेंटेंस केस पर करेंगे तो आपका सेंटेंस केस हो जाएगा। जैसे क्या नाम है, पहला अक्षर जो होता है वो कैपिटल हो जाए, बाकी स्मॉल हो जाएगा, ये देखिए। और इसमें ऐसे होता है जैसे कि आप ये लिखने जाते हैं कि आपका पहला अक्षर स्मॉल लेटर में है और बाकी सब कैपिटल में है, तो आप यहाँ पे आ जाएंगे टॉगल केस पे आ जाएंगे, तो ये इस तरह होगा, तो इस तरह देखिए आपका हो जाएगा कुछ, ठीक। और भी इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं, और इसमें आप फॉन्ट को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है, ये लिखा है लेआउट, लेआउट को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे जाएंगे आप यहाँ से फॉन्ट बढ़ा सकते हैं, इतना चाहे बढ़ा सकते हैं, इस तरह देखिए ये कुछ इस तरह फॉन्ट बढ़ा सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं इसे आप। ओके, और ये आपको बगल में दे रहा है फॉन्ट साइज के बगल में, ये आपको फॉन्ट स्टाइल, मतलब कि आपके फॉन्ट आप किस तरह फॉन्ट बनाए जाते हैं, बहुत आपके फॉन्ट होते हैं कंप्यूटर में, तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ बहुत सारी स्टाइलें दी हुई हैं, ये देखिए जैसे ये हो गया है, बहुत सारी स्टाइल इसमें दी थी। आपके जो फॉन्ट होते हैं, आपको अगर और स्टाइलिश फॉन्ट चाहिए तो इसके लिए आपको फॉन्ट्स डाउनलोड करने पड़ेंगे। ओके, तो ये देखिए कुछ इस तरह हो गया, ये देखिए अच्छा लगेगा देखने में भी, इसको आप कलर कर देंगे, ये देखिए कलर हो गया। ओके, ऐसे बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ऑफिस में यूज होता है एमएस वर्ड में, तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि आप मान लीजिए, जैसे यहाँ पर ये नंबर लिखा हुआ है, इसमें आप चाहते हैं बुलेट्स लगाना चाहते हैं, कुछ और लगाना चाहते हैं, यानी कि बुलेट्स नहीं कुछ और चाहते हैं, तो ये आप यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो बुलेट्स आ जाएंगे, ये कुछ इस तरह डिज़ाइन आ जाएंगे फॉर्मेट में, ये आपको चेकबॉक्स आ जाएगा, चेक साइन हो जाएगा, और इसमें बाकी साइन दिए देते हैं। और यदि आप ये नहीं चाहते हैं तो यहाँ पे आप 1 2 3 सेलेक्ट कर सकते हैं, 1 2 सेलेक्ट करेंगे, रोमन में सेलेक्ट कर सकते हैं, ए बी सी में सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो यहाँ पर उसमें बहुत सारे देते हैं, जैसे कि आप लिखना चाहते हैं जो आप नंबर लिखते हैं 1, उसके बाद क्वेश्चन आंसर होता है, क्वेश्चन आंसर के लिए बहुत बढ़िया यूज होता है। और ये देखिए आपका अगर आपको क्वेश्चन आंसर टाइप करना होगा कुछ भी, मतलब कि ऑप्शन के अंदर ऑप्शन देना होगा, तो ये देखिए आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन आए हैं, इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे तो आप आराम से टाइप कर सकते हैं। ओके, तो ये मुझे कुछ करना नहीं है। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और बाकी लोगों को भी शेयर करें। अगले हम नेक्स्ट वीडियो आपको बताने वाले हैं कि इसमें आप मेल मर्ज कैसे करेंगे। ओके, धन्यवाद। Thank you.